जनपद में रविवार को जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के द्वारा नौकायन पर गोरक्ष पथ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए व स्वच्छ गोरखपुर की परिकल्पना को साकार करने के लिए शहर के विकास कार्यों में शहर के विभिन्न अभियानों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए एडीजी जोन बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, जो राहगिरी फाउंडेशन के सहयोग से की जा रही है, जो कि सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक चलेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच आकर कार्यक्रम में भाग लें, जिससे शहर को एक अच्छा संदेश मिले। उन्होंने कहा, कार्यक्रम खेलकूद में स्कूल के बच्चे भाग लेंगे, प्रथम व द्वितीय स्थान पर आने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, पहल है कि गोरखपुर के सड़कों को कैसे सुरक्षित बनाया जाए और सबके लिए कैसे बनाया जाए, इसलिए नाम ही दिया गया है गोरख पथ सबका पथ। स्पेशली पैदल चलने वाले जो हमारे वल्नरेबल रोड यूजर्स हैं, मोस्टली पैदल चलने वाले, उनके सुरक्षित के लिए एक दिन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इसके माध्यम से कि सड़क में खाली गाड़ियां ना चलें, यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए भी उतना ही स्पेस दिया जाए। यहाँ पे जैसे हम बचपन में आराम से साइकिल चलाते थे या जो नेबरहुड हमारी स्ट्रीट होती, घर के आसपास बच्चे आराम से खेलते थे, आज के डेट में हम अपने बच्चों को घर के बाहर अकेले छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये गोरख पथ जो राहगिरी डे हमने शुरू किया था 2013 में, एक इसके माध्यम से ये बताया जा रहा था कि हाँ, सड़क जो है सबके लिए हो, खाली गाड़ियों के लिए नहीं। जैसे हमारे मिनिस्ट्री में भी स्मार्ट सिटी के थ्रू भी यही बताया जा रहा है कि स्मार्ट स्ट्रीट बनाना, तो ये पहल है स्मार्ट स्ट्रीट की तरफ। तो कल का कार्यक्रम जो रहेगा, एक उसका ग्लिम्स रहेगा कि खेलेंगे कूदेंगे और साथ में गोरखपुर को स्वच्छ बनाएंगे। सो यही मोटिव है हमारा और ये सबके भागीदारी से ही हो सकता है, क्योंकि जब तक सिटीजन्स की ओनरशिप नहीं होती है, हम कोई भी शहर को ठीक नहीं कर सकते हैं। चाहे जितना भी सरकारी प्रोग्राम हो, वो सफल नहीं हो सकता है जब हम सिटीजन्स को ना जोड़ें। तो ये जो राहगिरी में इतने हज़ार लोग आते हैं, ये एक हमें प्लेटफॉर्म मिलता है अगेन प्रशासन और सिटीजन्स के रिलेशनशिप को भी बढ़ावा देने का, ताकि वो आपस में एक साथ साइकिल चलाते हैं, एक साथ वॉक करते हैं, कहीं पे प्रशासन के लोग पेंटिंग कर रहे होते हैं या योगा कर रहे होते हैं सिटीजन्स के साथ, तो एक वो ओनरशिप कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो यही है, और आप लोगों के माध्यम से मैं गोरखपुर के सारे वासियों को यही आग्रह करूँगी कि प्लीज़ कल आएँ और अपने सड़क को रिक्लेम करें, अपने सड़क को एंजॉय करें। शायद पहली बार ऐसा होगा कि बिना डर के, बिना गाड़ियों के हॉन्किंग के, आप सड़क को एंजॉय कर पाएंगे। सो यही बोल बताना चाहूँगी मैं, थैंक यू। हमारे शहर के लिए, शहर सड़क सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वच्छ गोरखपुर की परिकल्पना को साकार करने के लिए, शहर के विकास कार्यों में और शहर के विभिन्न अभियानों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए माननीय एडीजी महोदय ने एक बहुत ही अभिनव और महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, और उसमें राहगिरी फाउंडेशन के सहयोग से विभिन्न शहरों में जो स्ट्रीट एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ जो शुरू की गई हैं, वो हमारे जनपद में भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, और उसके बाद एक रूपरेखा बनी थी। और कल से पहला इवेंट और पहले सीरीज ऑफ गतिविधियाँ जो है हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, और उसमें आपके माध्यम से मैं जनपद गोरखपुर के शहर के सभी सम्मानित नागरिकों को आमंत्रित करूंगा कि कल वो हमारे सर्किट हाउस रोड पे रामगढ़ ताल पर 6 बजे से 9 बजे के बीच में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है, जिसको आपके माध्यम से हम जनमानस तक पहुँचाना चाहते हैं। वो उसमें बहुत अच्छे अनुभव की गतिविधियाँ रहेंगी, जिसमें स्टूडेंट्स जो हमारे उद्यमी साथी हैं, हमारे महिलाएँ हैं, सभी को हम आमंत्रित करना चाहें, ताकि सभी इस शहर को एक अच्छा संदेश भी दें और जो हमारे विभिन्न अभियानों में वो प्रतिभाग भी करें और अपना बहुमूल्य योगदान भी दें। इसमें पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था की गई है, वहाँ पे सारे हमारे खिलाड़ियों को बुलाया गया है, ताकि वहाँ योगा और विभिन्न खेलकूद गतिविधियाँ भी होंगी,
वहाँ पेंटिंग और विभिन्न कला के कार्यक्रम भी होंगे, जिसके लिए विभिन्न निजी संगठनों द्वारा उनका आयोजन भी किया जाएगा। वहाँ सिविल डिफेंस के हमारे सभी साथीगण भी रहेंगे, जो विभिन्न गतिविधियों में सबको एंगेज करते रहेंगे। वहाँ सम्मानित हमारे मेयर साहब और सभी जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहेंगे, ताकि सबका हौसला अफजाई वो करा सकें। प्रशासन के पूरी टीम और सभी विभागों के अधिकारीगण भी रहेंगे। हमने सभी स्टूडेंट्स, कॉलेज और स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी आमंत्रित किया है, वो भी वहाँ प्रतिभाग करेंगे। एक उत्सव के माहौल पे इसमें हम प्रारंभ करेंगे, और ये गतिविधियाँ और ये इवेंट्स लगातार हर महीने में कम से कम एक संडे को, सैटरडे को जो तिथि निर्धारित होगी, वो आगे आगे इसकी रूपरेखा और सुदृढ़ होती रहेगी, वो हम लोग सुनिश्चित करा लेंगे, ताकि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें प्रतिभाग करें। और हर बार एक स्ट्रीट, एक सड़क हम लेंगे, ताकि उसको साफ़ सुथरा बना लें, वहाँ अतिक्रमण मुक्त बना लें, उसको सुंदर बना लें, और एक अच्छा अनुभव दें हमारे जो पदयात्रा करते हैं, हमारे पेडेस्ट्रियंस हैं, हमारे वहाँ पथ विक्रेता हैं, हमारे छोटे उद्यमी हैं, वहाँ पे सबको एक अच्छा अनुभव मिले, और पर्यटन के दृष्टिकोण भी वे बढ़ावा देगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इस पहल में सभी का आशीर्वाद, सभी का सहयोग, सभी का योगदान चाहिए, विशेषकर हमारे मीडिया साथियों का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करते हुए लोग इसमें प्रतिभाग करें। इस तरह की सामुदायिक सहभागिता की गतिविधियाँ शहर के लिए बहुत अमूल्य हैं, एक आपसी सद्भाव और भाईचारा की भावना बनती है। सिटीजन कॉन्ट्रीब्यूशन से ही शहर को हम विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बना पाएंगे। तो मैं आमंत्रित करूँगा सभी को कि इसमें प्रतिभाग करें। इसमें 6 से 9 बजे तक हम शुरू कर रहे हैं। इसमें योगा, पोएट्री, सिंगिंग, डांस, फोक डांस, ओपन माइक, साइकिल रैली, स्ट्रीट गेम्स जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन, चेस, कैरम होंगे, और वहाँ नुक्कड़ नाटक भी होगा। वहाँ खान पान के लिए फूड स्टॉल्स और वेरियस अदर स्टॉल्स भी रहेंगे। बैंड परफॉर्मेंस होगा, हमारे सभी बच्चों के द्वारा स्किट्स भी आयोजन किए जाएंगे, अच्छा संदेश भी होगा, जुम्बा भी होगा, और हमारे जनप्रतिनिधियों का संबोधन भी होगा, ताकि सभी को मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। और मकसद ये है कि जो सड़क सुरक्षा के जो संदेश हैं, वो सभी को तक पहुँचा दें, और जो आगे हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग में गोरखपुर और आगे बढ़े और अग्रणी शहर के रूप में उभर के आए।